भाई ऐसा नहीं है, मेरे पीछे जो डस्टिंग वगैरह होती है वो मेरी मिसेस साहिबा ही करती है। और आसान काम बोल रहे थे। और देख लीजिए फ्राइडे की मॉर्निंग कुछ यूँ स्टार्ट हुई है कि आज जो है इस बेड शीट यानी बेड कवर को चेंज करना है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? और आज फ्राइडे है, व्लॉग पे व्लॉग जो है एडिट हो रहे हैं बट अपलोड नहीं हो रहे बिकॉज यहाँ नेटवर्क सर्विस जो है नेट सर्विस जो है बंद हुई हुई है हर तरफ। और इंशाल्लाह कभी तो खुलेगी ना, आज नहीं कल नहीं। हर नया सेकंड नया मिनट जो है ना उम्मीद की तरफ लेके जाता है। और आज फ्राइडे है, फ्राइडे की यानी हम लोग ने जो भी तैयारी करनी है वो तैयारी कर चुके हैं। जुनैद भी रेडी हो चुके हैं, अभी फ़िलहाल पानी पूर कर रहे हैं। इंशाल्लाह आज कोशिश है कि इस मसले का भी कोई ना कोई हल निकाला जाए। चाय जो है ना पक पक के दीवानी हो चुकी है जुनैद की। चाय जुनैद जब चाय रखते हैं तो पागल दीवाना बेचारी को सब कुछ कर देते हैं उसमें, बस फिर दूध ऐड करते रहते हैं, पानी ऐड करते हैं, ठीक है। और फिर मुस्कुराहट के साथ बोलते हैं ओह ये तो कम हो गई चाय पीने वाली। और हम लोगों ने कल रात को कुछ नहीं खाया था, कल दिन भर इतनी लू थी और काम की वजह। आप लोगों ने भी थोड़ी सी वीडियो देखी उसमें मैं भी कल जुनैद के साथ थी और वहाँ से वापस आए हैं ना, तो उसके बाद ऐसी हिम्मत थी बस, जो सुबह जुनैद ने लस्सी बना के रखी थी ना शाम में मगरिब के बाद वो पिए और कुछ नहीं खाया हम लोगों ने और सो गए थे। इतनी ऐसा लग रहा था टायर्ड हो गए थे हम लोग। और गर्मी और जब थोड़ा सा मौसम ठंडा हुआ ना तो बस बड़ी प्यारी नींद आ रही थी, बस यही सिलसिला था। और पहले नाश्ता कर लेते हैं, जुनैद से ही मिलवाते हैं फिर आपसे मिलते हैं। और तो आ गए हम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। और देख ये आवाज़ जो है सोशल मीडिया बंद हो, वो नेट सर्विस बंद होने के ऊपर ऐसी हो गई है। क्या करें बॉस, चार दिन हो गए, एक हफ्ता तो वैसे ही हो गया हमें। क्या मसले मसाइल चल रहा है, अल्लाह जाने पाकिस्तान के साथ। अल्लाह पाक अपने उसमें रखे, आमीन सुमा आमीन। इतना प्यारा मुल्क है, कल भी ये मैसेज दिया था मैंने। ये सारे व्लॉग्स आपको मिलेंगे, डोंट वरी, सारी वीडियो हम लोग कैप्चर करते जा रहे हैं, सेव करते जा रहे हैं, ऐसे ही है ना। मिलेंगे मिलेंगे सबको मिलेंगे, बराबर मिलेंगे। फ्राइडे की तैयारी हो चुकी है और ये जुनैद का आउटफिट है आज का। पहले दौर में ना मुझे एक बात याद आई, बच्चे माँ वो माँ बच्चे को बोलती थी बेटा सो जा गप्पर सिंह आ जाएगा। यहाँ पे माँ यहाँ पे ना लोग बोलते हैं बेटा सो जाओ। आपको ऐसे बोलते थे? सुनो वो तो इंडिया की फिल्म। हाँ यहाँ पे ऐसा होता है, यहाँ पे लोग बोलते हैं एक दूसरे को यार सो जाओ ये कर लो वो कर लो नहीं तो लॉकडाउन आ जाएगा। अच्छा यार लॉकडाउन की ना इस ये कुछ नई किस्में निकलनी है बहाने वांस। हाँ नहीं लेकिन ये तो फिल्म का डायलॉग था ना, हमें तो पता है क्या बोला जाता था, चौकीदार आ जाएगा सो जाओ, उस सिटी वाला आ जाएगा सो जाओ। हम लोग मासूम बच्चे थे यानी मासूम ही होशियार होते हैं सारे। नहीं एक मिनट, मैंने आपके साथ क्या होशियारी दिखाई है? मैं आपके अपने ऊपर बात नहीं किया आपने, मैंने यही बोला था कि हम मासूम, आपने मासूम को ही होशियार बोल दिया। मासूम देखो भाई सीधे लोग कितने होते हैं ना, इतने टेढ़ा बनने में देर लगती है। हाँ बस ये समझ रहे हैं आप। चलिए व्यूअर्स पहले हम नाश्ता करते फिर आपको मिलते हैं। और यहाँ जुनैद नमाज पढ़ जाने से पहले देख लीजिए चिड़ियों का पानी और दाना जो है वो बदल रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जुनैद की बहुत अच्छी आदत है। आ जाइए। आ गई। आ जाए आ जाए आ जाए। और अब असर के बाद जो है हम लोग इधर बैठ चुके हैं बिकॉज लाइट जा चुकी है और जुनैद यहाँ गोभी की कटिंग कर रहे हैं, फूल गोभी की, यानी हमारे नेक्स्ट डे का जो ऑर्डर है उसकी तैयारी है। और ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह इस दीवार पे कितने प्यारे प्यारे परिंदे आके बैठे हैं, फाख्ता भी है और छोटी फिंच भी है और कबूतर भी है आज तो।
पास्ता जो है मुख्तसर खाती है, कहीं ज़्यादा देर रुकती नहीं है वो। और एक अच्छा परिंदा है, ये जन्नत का परिंदा चला। अमन की निशानी कहते हैं, अमन की निशानी है पास्ता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में अमन है यानी हम दोनों के बीच ना ऐसी है। और मेरी गोभी जो है, आपकी गोभी, हमारी गोभी, हमारी सब्जी कट चुकी है, गाजर है। ये मौसम बहुत चेंज हो रहा है, कब चेंज होगा, हमारी आंखें थक गई हैं इस मौसम की। अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी पार्टी शुरू हुई है। नहीं सुबह आती है व्यूअर्स, बहुत से दोस्त यार जो मेरे मतलब लाइफ जो मुझे बोलते हैं कि आप जो है आधी काम करते हुए दिखाई दे रहे होते हो, तो भाई ऐसा नहीं है, मेरे पीछे जो डस्टिंग वगैरह होती है वो मेरी मिसेस साहिबा ही करती है। और आसान काम बोल देते, कमरा समेटना, डस्टिंग करना, घर धोना, पकाना तो सबसे मुश्किल काम, खाना। अच्छा पका सकते हैं आप बगैर बताए? नहीं, एक दूसरे की ज़रूरत होती है। मैं क्यों ऐसा बोलूं कि मैं पका सकता हूँ? हाँ पका सकता हूँ, लेकिन उसके लिए फिर मुझे जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कोने में बैठी हुई है, इधर भी बैठी हुई है, वो एक कोने में बैठी हुई है, वो उसको वॉच कर रही है ना, वो जो वहाँ पे आई हुई है, एक ये बैठी हुई है एक वहाँ पे थी, और दिखा दिखा के खा रही हो कि आज हम मूँगफली खा रहे हैं। इनके भी अपने फंडे हैं। तो व्यूअर्स, सनोबर जो काम सनोबर शायद करती हैं वो मैं नहीं कर सकता, एडिटिंग, उसमें मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। कर तो लूँगा, कोई काम मुमकिन मुश्किल नहीं होता। लोग पीछे गाना चल रहा है, चिंची वाले यूँ करते हैं अपनी बात को कि सनोबर के जो काम होते हैं, जाहिर सी बात है एडिटिंग वगैरह और फिर थंबनेल और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उन सबको भी देखना पड़ता है। हाँ ये कि मैं अपने काम में एक्सपर्ट हूँ, कुकिंग कटिंग में, कटिंग मुझे अच्छी आती है, और मैं छुरी खुद से इनके हाथ में नहीं देता। एक तो देने का ये मसला नहीं है कि ये काट नहीं सकती, ऐसे ही काट लेंगी, लेकिन मैं बोलता हूँ यार बस जो ये चमचा घुमा रही है ना वो ज़्यादा अच्छा है। चूल्हे के आगे बैठना आसान काम नहीं होता, सख्त काम है। गर्मियों में तो पता है, सर्दियों में मज़े आ जाते हैं, गर्मियों में पूछे हम जो लोग रोटी बनाते हैं या तंदूर पे रोटी बनाती हैं, घर में कुकिंग करती हैं लेडीज़, यहाँ तो चले अल्हम्दुलिल्लाह हवादार घर है, खुला है, जिन लोगों का पैक होता है उनसे पूछें, बल्कि कहीं और क्यों जाए, हम अपनी आस आंटी को ही देख लें उनका किचन कितना पैक है। बच जाती है बैंड गर्मी से लोगों की, जैसे आज मेरी बज गई है, मैं अभी बाज़ार से होके आया हूँ और मोटर भी लेके आ गया हूँ, भी कल इंशाल्लाह इसकी एक आध दिन में इसकी फिटिंग भी हो जाएगी। बहुत मुनासिब रेट में मेरे दोस्त की एक शॉप है, वहाँ से लेके आया हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर बाइंडिंग में ही है। यूज़ में इसके ही कि अपना घर होगा तो फिर वहाँ पर मोटर भी होगी, आप लोग समझ सकते हो। और अभी बजट भी नहीं था कि मैं नई परचेज़ करता, नई मोटर जो है वो 16,000 से लेके 23,000 तक की है पिस्टल पंप। तो मैंने 5-6 लोगों से मशवरा करके फिर बोला ये जुगाड़ से कोई ये मोटर लिए। मैं आपसे कह रहा था कि मशवरा किया है 5-6 नहीं ज़्यादा ही लोगों से किया था, मोटर के मामले में हम लोग वर्क कर रहे थे कि हमें जो सही एडवाइस मिल जाए जुगाड़ से, और हमारा पानी ऊपर चढ़ने का जो ये खींचने का टाइम है ना ये शॉर्ट हो जाए। तो ये इंशाल्लाह एक आध दिन में इसकी फिटिंग होगी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। एक हैं साहब दोस्त ही आ रहे हैं, वो भी जिन्होंने दिलाई है, वो ही फिटिंग करेंगे, और मेरे काम पे से आने के बाद इसका काम शुरू करेंगे, क्योंकि छुट्टी नहीं कर सकता मैं। सो व्यूअर्स, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और इतने गैप आ गए हैं गवर्नमेंट की मेहरबानी की वजह से, 3-4 दिन की छुट्टियां मिल गई हैं सनोवर को भी और मुझे भी,
छुट्टियां कहाँ मिली, मैं व्लॉग जमा कर रही हूँ, वीडियो कैप्चर हो रही है। तो बोलने वाली बात है ना, ये तो उधर पाकिस्तान में ही सोशल मीडिया बंद है, हमारा नेट नेट इंटरनेट बंद है। बाइकिया करीम वाले और कितने राइडर हैं बेचारे, कितने परेशान हुए हैं। ऐसी कंपनी से जिनका ऑनलाइन बेकरी का है या फास्ट फूड का है या कोई भी एक्सरसाइज ऑनलाइन काम चलता है, कितनी सबको परेशानी का सामना है अभी भी। और इंशाल्लाह दुआ है कि आज रात तक ये ऑन हो जाए ताकि हम लोग वीडियोस अपलोड करके आपको दिखा, और जिसका जो काम रुका है वो भी पूरा हो जाए। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक सबके लिए आसानी करे, हमारे मुल्क के लिए आसानी वाले मामला करे, और अच्छे और नेक और मुखलिस हुक्मरान अता फरमाए। आमीन। चलिए व्यूअर्स, थोड़ी देर में मिलते हैं। जी व्यूअर्स, बहुत टैन हो गई है स्किन, ये 5 से 1 वीक की जो गर्मी थी ना इसने स्किन जला दी है। वेल, ये तो एक चुटकी का काम है, फिर सेट हो जाएगा जब हम चाहेंगे। आप लोगों ने देखा मैंने हल्दी डाल के पानी बॉईल किया है, फिर उसमें मैंने गोभी ऐड की है, बिकॉज इससे बादीपन जो होता है, जैसे बहुत से लोगों को जो है कहते हैं ना कि गोभी खाने से पेट में जो है तेजाबियत होती है या एसिडिटी एक्सरसाइज जो कुछ भी होता है वो ख़त्म हो जाएगी, तो मैंने वो जिस तरह कभी इस तरह मैंने नेट वगैरह पे देखा था, इस तरीके से उसका जो बादीपन होता है ना वो ख़त्म हो जाएगा, वो मैंने रख दी उबालने। और दूसरी चीज़, अदरक भी ऐड होगी जिस वक्त ये पकेगी। तो कल हमारा इरादा है, गोभी आपने देख लिए, बाकी हम बताएंगे कि हमने कल क्या बनाना है, गोभी आलू भी हो सकता है, मिक्स सब्ज़ी। व्लॉग्स आपको लेट 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 कब तक मिलने वाले हैं, दुआ करें आप लोग भी, हमने भी दुआ यही करी है। और हमें पता है बहुत सारे लोग हमारे ब्लॉग्स का इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत से जो मेरे रिलेटिव्स हैं उनकी तो कॉल्स भी आ चुकी है कि मेरे ब्लॉग्स नहीं आ रहे हैं यार, नेट सर्विस बंद की हुई है, पता नहीं कब खोलेंगे, ये लोग समझ से बाहर है, कितना नुकसान हो रहा है बिज़नेस में भी, बहुत से लोग जिनके रोज़गार इस चीज़ से जुड़े हैं उनका भी नुकसान हो रहा है। अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक इनके दिलों में थोड़ा सा रहम डाले और आसानी करे सबके लिए। वेल, अभी तो हो रही है मगरिब का टाइम, थोड़ी देर में हो जाएगा असर, काफ़ी टाइम पहले उसी के मगरिब के करीब करीब जा रहे हैं, तस्बीहात हम पढ़ चुके हैं, जुनेद ने गोभी भी कटिंग कर ली है, बस अब जो है मगरिब की नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे, लाइट है नहीं, अंधेरा हो जाएगा थोड़ी देर में, और इंशाल्लाह फिर देखते हैं रात के खाने में हम लोग क्या खाने वाले हैं। वेल, रात के डिनर पर आपसे मिलते हैं। और ये अंधेरा होने से पहले टैंक से पानी फुल कर रहे हैं जिन्हें टंकी फुल करने के लिए, और ताकि जो ज़रूरत के जैसे बर्तन वगैरह ये जो भी हमारे काम है वो ना रुकें, और इंशाल्लाह अल्लाह से यही दुआ है कि बस यह आखिरी दफ़ा पानी फुल किया जाए, अब इंशाल्लाह कल हम मोटर जो है एडजस्ट करवा लेंगे ताकि ये वाली परेशानी भी ख़त्म हो जाए। और ये आप लोग की दुआएँ हैं और आप लोग की सपोर्ट है कि आज हम इस काबिल हुए कि हम लोग छोटी सी मोटर अपने लिए अरेंज कर सके हैं। यम्मी। जी व्यूअर्स, आज बनाई है मिक्स सब्जी ऑर्डर के लिए, देख लीजिए ये लुक है इसका, और इसमें सिर्फ 4 to 5 आई थिंक, हाँ टमाटर लगाएंगे तो 5 वेजीज जो है यूज़ हुई है, गोभी है, आलू है, मटर है, गाजर है, धनिया भी है, हरी मिर्चें भी है, टमाटर भी है, तो बहुत सारी सब्जियां ही हो गई। ये फ़िलहाल मिक्स वेजिटेबल है, आप देख लीजिए, और ये है हमारा ग्रीन रायता, ये भी लुक बड़ा प्यारा है, और इसे अब ढक देते हैं, फिर थोड़ी देर में जुनेद पैकिंग करेंगे इसकी, और पहले रायते की पैकिंग हो रही है। डोंट वरी, हम दोनों अभी दिख नहीं रहे, हम आपसे थोड़ी देर में मिलेंगे नाश्ते के वक्त,
ठीक है ना। इस वक्त आप देख लीजिए पहले हवा को, हवा की झक्कड़ चल रहे हैं यहाँ पे, फड़फड़ फड़फड़ फड़ सारी चादरें फाड़ देते हैं, फिर बांध देते हैं हम लोग। पैकिंग शुरू अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए व्यूअर्स थोड़ी देर में मिलता है। और व्यूअर्स आप लोग को बताऊँ, मैंने अपने जितने भी लास्ट मंथ्स और जो लाइफ जो स्पेंड हुई है उससे मैंने सिर्फ एक चीज़ सीखी कि दुनिया वाले अगर ज़्यादती करें तो मुस्कुराते हुए माफ़ कर दिया करें। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को तो भाइयों ने कुएं में फेंक दिया था, अल्लाह ताला ने उन्हें बादशाह बना दिया। बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है, यही आयात जो हैं हिम्मत देती हैं आगे बढ़ने के लिए। सो अल्लाह से लौ लगाए रखनी है, एक न एक दिन वो हमारी दुआओं पे ज़रूर कुन फरमाएगा इंशाअल्लाह और आमीन या रब्बुल आलमीन। सो यहाँ पे जुनैद जो है सालन की पैकिंग कर रहे हैं, उसके बाद जुनैद को जो है जाना है काम पे, यानी वो फिर अपनी जाने की तैयारी करेंगे। सो व्यूअर्स चैनल पे अगर आप नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब करें। फैमिली फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना तो मत भूलिएगा। और हाँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। जहाँ रहें खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।